मैं भी संकोच करती थी किसी को कहने के मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन और मैंने आपको आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने 1-1.5 साल जब मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही थी तब ये बात छुपा के रखी थी। और मैं मेरे ट्रीटमेंट के बीच में, जैसे मेरी केमोथेरेपी होती थी उसके बीच में भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, रेडिएशन के बीच में भी प्रोग्राम्स करती थी, और बहुत छुपाने की बहुत मुश्किल होता था छुपाना, क्योंकि सच कहना बहुत आसान होता है, झूठ तो बहुत मुश्किल होता है। तो तब मैंने 1.5-2 साल तक ये बात छुपा के रखी थी और प्रोग्राम्स करती थी, क्योंकि अगर किसी के पता चला सबको तो शायद प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे, ये डर था, हर कलाकार को होता है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है बीमार है तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैंने ये करीबन 2 साल तक किया, बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक दिन मुझे एक महिला मिली जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट ले रही थी, और वो इतनी निराश थी और बातें कर रही थी कि अभी मेरे मुझे ये हो रहा है, अभी मेरा तो कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने उसे तुरंत बात शुरू की और मैंने उसे कह दिया कि देखो मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ और मैं मुझे भी कैंसर हुआ था, और मैंने पूरी कहानी मेरी उसे कह डाली। और उस समय मुझे ऐसे लगा कि मेरा आत्मा शुद्ध हो गया, क्योंकि उसके बाद 2-3 महीने बाद उसी महिला का मुझे फोन आया कि आपसे बात करने के बाद मेरा जो मेरी ट्रीटमेंट की ओर देखने का जो भी माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो गया, पूरी मैं इतनी पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टि से मेरी पूरी ट्रीटमेंट ले ली मैंने कि अभी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं और मेरी ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ। वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं कितनी गलती कर रही थी कि इसके बारे में बात नहीं करना, संकोच करना। और फिर मैंने मेरी संस्था की ओर से ये कार्य शुरू कर दिया, और काउंसलिंग नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जब भी किसी को भी इस तरह की तकलीफ होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाके उनसे बात करूं। और उसी समय मैंने सोचा कि मेरे अनुभव में देखो, फिर मैंने मराठी में मयूर पंख नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें इस दौरान के मेरे जो भी विचार थे, जो भी खुद से संवाद हो रहा था वो मैंने लिख डाला, जो मयूर पंख नाम की पुस्तक से मराठी में पब्लिश हुआ है, और द सेलेस्टियल प्लूम इस नाम से अंग्रेजी में भी पब्लिश हुआ है।